गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम रिवीजन कर रहे थे लॉ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ डिमांड मांग की अवधारणा चैप्टर का। और उससे पहले हमने देख लिया था कि डिमांड क्या होती है, डिमांड शेड्यूल, डिमांड कर्व, ठीक है। अब हम बात करते हैं रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड एंड रिलेटेड गुड्स। तो रिलेटेड गुड्स मैंने आपको पहले भी बताया था कि टू टाइप्स की होती है, सब्स्टिट्यूशन गुड्स और कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। सब्स्टिट्यूशन गुड्स जिसका हम एक गुड्स के अलावा अगर एक की प्राइस इंक्रीज होती तो हम दूसरी का परचेस करने लगते हैं। जैसे मान लो टी और कॉफ़ी, टी और कॉफ़ी, क्योंकि क्या होगा कि मान लो अगर प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी, ठीक है, और प्राइस ऑफ कॉफ़ी और डिमांड ऑफ टी, मान लो कि प्राइस जो है कॉफ़ी की वो क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए, ठीक है, तो टी की डिमांड भी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि लोग क्या करेंगे, आप कॉफ़ी को, जो कॉफ़ी की डिमांड है उसको कम करेंगे, डिमांड ऑफ कॉफ़ी को कम करेंगे तो वो कॉफ़ी की जगह क्या पीने लग जाएंगे, चाय पीने लग जाएंगे, तो टी की डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। उसी तरह से अगर मान लो कॉफ़ी की प्राइस डिक्रीज हो जाए, कम हो जाए, तो लोग क्या करेंगे, चाय को, जो चाय की प्राइस तो हमारी टी की प्राइस तो कांस्टेंट है, उसमें चेंज नहीं हो रहा है, चेंज किस में हो रहा है, कॉफ़ी की प्राइस में। तो जब कॉफ़ी की प्राइस कम हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी को ज़्यादा पीने लगेंगे और कॉफ़ी की डिमांड ज़्यादा करेंगे और टी की डिमांड कम कर देंगे। तो ये होती है हमें सब्स्टिट्यूशन गुड्स की, अगर एक की प्राइस इंक्रीज हो रही है तो दूसरे की प्राइस कांस्टेंट होने पर भी उसकी डिमांड इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है, और अगर एक की प्राइस डिक्रीज हो रही है तो दूसरे की प्राइस कांस्टेंट होने पर भी उसकी डिमांड डिक्रीज होगी। तो प्राइस और सब्स्टिट्यूशन गुड्स के बीच में तो पॉजिटिव रिलेशनशिप होता है, ठीक है। अब हम इसको एक डायग्राम के द्वारा देखेंगे। यहाँ पे हमने ओ एक्स पे डिमांड फॉर टी दी लिया हुआ है और ओ वाई पे प्राइस ऑफ कॉफ़ी ली है, ठीक है। जब कॉफ़ी की प्राइस ओपी थी तो हमारी टी की डिमांड ओक्यू थी। कॉफ़ी की प्राइस हमारे पास कितनी है, ओपी है, और टी की डिमांड हम कितने कर रहे हैं, ओक्यू कर रहे हैं। अब मान लो कि कॉफ़ी की प्राइस बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है और ओपी से ओपी वन हो जाती है, ठीक है। तो अब जब कॉफ़ी की प्राइस ओपी वन हो जाएगी तो लोग क्या करेंगे, कॉफ़ी की जो कंज्यूमर है वो कॉफ़ी की डिमांड को तो कम कर देंगे और टी की डिमांड को इंक्रीज कर देंगे, बढ़ा देंगे। तो जब कॉफ़ी की प्राइस ओपी वन होगी तो टी की प्राइस क्या हो जाएगी, ओक्यू वन हो जाएगी, ठीक है। तो सब्स्टिट्यूशन गुड्स और प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड्स में सब्स्टिट्यूट गुड्स की प्राइस और डिमांड जो है सब्स्टिट्यूट गुड्स की, उनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, पॉजिटिव सीधा संबंध होता है। और इसका डिमांड कर्व कैसा बनेगा, इस तरह का पॉजिटिव बनेगा, डीडी कर्व। इसके बाद हमारी नेक्स्ट जो होती है वो होती है कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स। तो कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स जो हम एक साथ यूज़ करते हैं, जिसको जैसे मान लो कार और पेट्रोल है, पेन और रिफिल है, ठीक है, शुगर और टी है, तो जब हम चाय पियेंगे तो शुगर की पियेंगे, वो एक्सेप्शन है कि डायबिटीज़ वाले नहीं पीते, बाकी तो मोस्ट ऑफ जो चाय होती है वो शुगर की बनती है। तो यहाँ पर हम शुगर और टी को कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स ले रहे हैं। अब हम मान लेते हैं कि अगर प्राइस और डिमांड कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स का, प्राइस है शुगर की और डिमांड है टी की, ठीक है। तो अगर मान लो शुगर की प्राइस इंक्रीज हो रही है, बढ़ रही है, तो लोग क्या करेंगे, क्योंकि शुगर चाय में यूज़ होती है तो लोग चाय की डिमांड को क्या कर देंगे, डिक्रीज कर देंगे, ठीक है। और अगर शुगर की प्राइस डिक्रीज होती है तो लोग चाय की डिमांड को क्या करेंगे, इंक्रीज कर देंगे। तो इन दोनों के बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स अपोजिट रिलेशनशिप होता है। देखो इसको डायग्राम के द्वारा देख सकते हैं हम। ओ एक्स पे हमने डिमांड फॉर टी ली है और ओ वाई पे हमने शुगर की प्राइस ली है। अब जब शुगर की प्राइस ओ पी थी तो हमारी टी की डिमांड थी ओ क्यू, ठीक है। शुगर की प्राइस हमारी कितनी थी, ओ पी, तो टी की डिमांड कितनी थी, ओ से लेकर क्यू तक। अब शुगर की प्राइस इंक्रीज होके ओ पी वन हो गई तो डिमांड जो टी की वो क्या हो गई, डिक्रीज हो गई और क्या हो गई, ओ क्यू वन, क्योंकि इनके बीच में कैसा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स अपोजिट रिलेशनशिप। अब हमारे पास अगर हम डिमांड कर्व को देखेंगे तो कैसा डिमांड कर्व आता है, नेगेटिव स्लोप वाला, ठीक है। क्यों, क्योंकि इनके बीच में अपोजिट इनवर्स रिलेशनशिप होता है, तो हमारा डिमांड कर्व डाउनवर्ड अपोजिट स्लोप वाला आएगा।
तो ये था हमारा रिलेशनशिप बिटवीन डिमांड और रिलेटेड गुड्स। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा, अब डिमांड में टू टाइप्स के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट है हमारा चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, मांग मात्रा में परिवर्तन। सेकेंड है हमारा चेंजेस इन डिमांड, मांग में परिवर्तन। दोनों में कोई सेम से वर्ड है, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड और चेंजेस इन डिमांड, तो सेम से वर्ड होते हैं। जब हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें किसमें क्या आएगा, तो सबसे पहली बात है चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड की हम बात कर रहे हैं। तो डिमांड के किस किस चीज़ों पे होता है, एक तो प्राइस के साथ रिलेशनशिप होता है डिमांड का, फंक्शन होता है, और अदर थिंग्स के साथ होता है। ठीक है, डिमांड किसका फंक्शन होता है, प्राइस का और अदर थिंग्स का। जब हम क्वांटिटी डिमांड की बात कर रहे हैं, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड या मांग की मात्रा में परिवर्तन, तो उस स्थिति में क्या होता है कि अदर थिंग है वो तो कांस्टेंट रहती है, अदर जितनी भी थिंग है वो क्या रहती है, कांस्टेंट। मतलब जो बाकी की चीज़ें होती है, वस्तु होती है, वो सब स्थिर रहती है, और हम क्या मानते हैं, केवल प्राइस में चेंज होता है। ठीक है, तो जब हम क्वांटिटी डिमांड मांग मात्रा में परिवर्तन की बात करते हैं, तो केवल कीमत में परिवर्तन होता है, बाकी सब क्या रहता है, स्थिर रहते हैं। बाकी जो फैक्टर होते हैं वो स्थिर रहते हैं, कांस्टेंट रहते हैं। तो ये भी हमारे पास दो तरह का होता है, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, विस्तार और संकुचन। अब हम देखते हैं एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन क्या होता है। तो जब प्राइस में चेंज हो रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग डिमांड में क्या चेंज होगा। ठीक है, क्योंकि बाकी अदर थिंग्स तो हमने क्या मान ली, कांस्टेंट मान ली, अदर थिंग्स बिल्कुल इक्वल है, केवल हम किस में चेंज देख रहे हैं, प्राइस में। तो प्राइस में चेंज होने पे हमारी मांग मात्रा में, क्वांटिटी डिमांड में चेंजेस होता है, और हम उसी सेम ही डिमांड कर्व पे रहते हैं। जैसे मान लो प्राइस इंक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, और प्राइस डिक्रीज हुई तो डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। तो इनके बीच में रिलेशनशिप कैसा होता है, इनवर्स। अब यहाँ हम इसको डायग्राम के द्वारा देखते हैं। एक्सपेंशन सबसे पहला देखते हैं हम, एक्सपेंशन या विस्तार, क्वांटिटी डिमांड या मांग मात्रा में क्या एक्सपेंशन या विस्तार होता है। तो यहाँ पे हमने ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड और ओ वाई पे प्राइस ली हुई है। अब हम देखते हैं कि अगर मान लो पहले प्राइस हमारी ओ पी थी और क्वांटिटी डिमांड ओ क्यू थी। ठीक है, अब अगर प्राइस कम हो जाती है, प्राइस हमारी क्या होती है, कम हो जाती है, तो डिमांड क्या हो जाएगी, हमारी इंक्रीज हो जाएगी। प्राइस हमारी ओ पी वन आ गई तो डिमांड हमारी क्या आ जाएगी, ओ क्यू वन। ठीक है, तो यहाँ हमें टू पॉइंट्स मिले, ए और बी। अगर हम इनको ज्वाइन करते हैं तो हमारे पास डिमांड कर्व आ जाएगा डी डी, ये डी डी हमारा डिमांड कर्व आ गया। अब हम देखते हैं कि यहाँ पे हम कहाँ पे गए हैं, नीचे की तरफ गए हैं, ए से बी पे गए हैं। तो यहाँ जब हम ए से बी पे जा रहे हैं, तो हमारे डिमांड जो क्वांटिटी है, डिमांड की जो मांग की मात्रा है, वो क्या हो रही है, बढ़ रही है, उसका विस्तार हो रहा है, उसका एक्सपेंशन हो रहा है। तो हम इस स्थिति को क्या बोलेंगे, एक्सपेंशन। ठीक है, मतलब चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड की, फर्स्ट जो है एक्सपेंशन इन डिमांड। तो उसमें क्या होता है, सेम डिमांड कर्व पे रहते हैं हम, पहले वाले डिमांड कर्व पे रहते हैं, लेकिन उससे ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं हम डिमांड कर्व के। क्योंकि जब हम ऊपर से नीचे की तरफ जाते हैं, अपवर्ड से डाउनवर्ड की तरफ जाते हैं, तो डिमांड क्या होती है, इंक्रीज होती है, डिमांड में विस्तार होता है, मांग में एक्सपेंशन होता है। तो ये हमारा क्या कहलाता है, एक्सपेंशन इन डिमांड। यहाँ पे हम केवल प्राइस की बात कर रहे हैं, अदर थिंग हमने क्या ले ली, कांस्टेंट ले ली। तो जब प्राइस डिक्रीज हुई तो हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई, डिमांड में विस्तार हो गया, एक्सपेंशन हो गया। इसके बाद नेक्स्ट है कंट्रेक्शन या संकुचन। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड डिक्रीज होती है, लेकिन जब प्राइस इंक्रीज होती है तो डिमांड, प्राइस डिक्रीज होती है तो डिमांड इंक्रीज होती है। ठीक है, यहाँ पे हम बात कर रहे हैं प्राइस इंक्रीज, यहाँ पे हमने बात करी थी प्राइस डिक्रीज तो डिमांड इंक्रीज। ठीक है, और यहाँ हम देखेंगे जब प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज होगी, संकुचन होगा मांग की मात्रा में या क्वांटिटी डिमांड में क्या होगा, कॉन्ट्रेक्शन होगा। तो हम देखते हैं ओ पी पहले प्राइस थी और ओ क्यू क्या थी, हमारी डिमांड थी। यहाँ हमने ओ एक्स पे क्वांटिटी डिमांड, ओ वाई पे प्राइस को लिया हुआ है। तो ओ पी प्राइस थी तो हमारी डिमांड कितनी थी, ओ क्यू। ठीक है, अब प्राइस इंक्रीज हो गई हमारी, और प्राइस हो गई किसी कमोडिटी की ओ पी वन, ओ पी से क्या हो गई, ओ पी वन।
तो क्वांटिटी कितनी हो जाएगी, हमारी क्वांटिटी भी OQ 1 हो जाएगी। तो यहाँ से हम इसको मिला देते तो ये आ जाएगा हमारे पास। तो पहले हमारे पास दो पॉइंट आ गए यहाँ पे भी, A और B, ठीक है। अब हम डिमांड कर्व को मिला देते हैं A और B से लेके, तो ये हमारे पास DD डिमांड वक्र आ गया। अब मांग वक्र आ गया, डिमांड कर्व आ गया। अब हम देखते हैं हम कहाँ थे, पहले A पे थे, क्योंकि हमारी प्राइस कितनी थी, OP थी, और क्वांटिटी डिमांड कितनी थी, OQ थी। उसके बाद प्राइस इंक्रीज होकर OP1 हो गई, तो क्वांटिटी डिमांड कितनी हो गई, OQ1 हो गई, मतलब कम हो गई क्वांटिटी डिमांड। तो पहले हम A पे थे तो हम B पे पहुंच गए, मतलब अब हम क्या कर रहे हैं, डाउनवर्ड से अपवर्ड आ जा रहे हैं। तो जब हम डाउनवर्ड से अपवर्ड जाते हैं तो डिमांड हमारी कम होती है, डिमांड में संकुचन होता है, मांग की मात्रा में क्या होता है, संकुचन होता है, कॉन्ट्रेक्शन होता है। तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, ये हमारा कहलाता है कॉन्ट्रेक्शन या संकुचन। तो अभी हमने क्या देखा था, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड, चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड में भी दो तरह थे हमारे, जब हम चेंजेस कब होता है क्वांटिटी डिमांड में, जब अदर थिंग कांस्टेंट रहती है और केवल प्राइस इंक्रीज या डिक्रीज होती है। तो उसके भी दो टाइप्स के थे, एक्सपेंशन और कॉन्ट्रेक्शन, विस्तार और संकुचन। तो जब प्राइस डिक्रीज होती है तो हमारी क्वांटिटी डिमांड इंक्रीज हो जाती है और हम ऊपर से नीचे की तरफ चल जाते हैं डिमांड कर्व पे। यहाँ पे डिमांड कर्व चेंज नहीं होता, डिमांड कर्व सेम ही रहता है, केवल हम डिमांड कर्व में मूव करते हैं, डिमांड कर्व के ऊपर ही मूव करते हैं। तो हम ए से बी पे चले गए, तो ये हमारा एक्सपेंशन हो गया क्वांटिटी डिमांड का। उसी तरह से अगर प्राइस ओपी प्राइस अगर बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है, तो हम नीचे से ऊपर की ओर जाते हैं, तो यहाँ हमारा डिमांड क्या हो जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, संकुचन हो जाएगा। तो ये था हमारा चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड। अब हम देखेंगे चेंज इन डिमांड। अब इसके बाद हम देखते हैं चेंज इन डिमांड। तो चेंज इन डिमांड की हम बात करते हैं तो यहाँ पे मांग में परिवर्तन की बात करते हैं। तो मांग में परिवर्तन क्या होता है, हमने देखा कि डिमांड किस किन 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 चीज़ों का फंक्शन होती है, प्राइस का, ऑन प्राइस का, रिलेटेड गुड्स की प्राइस का, इनकम का, टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस का। तो जब हम मानते हैं कि खुद की ऑन प्राइस जो होती है वो क्या होती है, डिमांड एक्स की फंक्शन ऑफ ऑन प्राइस एंड अदर थिंग्स में इनकम, रिलेटेड गुड्स की प्राइस और टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस, ये सब आ जाता है फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि ये तो हमारा कॉन्स्टेंट है हमारे पास खुद की प्राइस, मतलब जिस वस्तु की हम बात कर रहे हैं उसकी कीमत तो क्या है, स्थिर है। अब अदर थिंग्स में चेंज होता है, मान लो कि कंज्यूमर की, उपभोक्ता की इनकम, आय बढ़ गई या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस चेंज हो गया, तो उस वक्त जब हम उसकी बात करते हैं तो वो हमारा होता है चेंज इन डिमांड या मांग में परिवर्तन। तो मांग में परिवर्तन दो तरह का होता है, एक तो जब मांग वक्र राइटवर्ड या फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाए, आगे की तरफ शिफ्ट हो जाए, ठीक है। एक होता है लेफ्टवर्ड या बैकवर्ड, पीछे की तरफ शिफ्ट हो जाए। इसको हम देखेंगे, जैसे मान लो एक यहाँ पे कमोडिटी की प्राइस और क्वांटिटी दी हुई है, ठीक है। प्राइस क्या है, पी है, और क्वांटिटी कितनी, ओ क्यू है। अब प्राइस तो हमारी, तो डिमांड कर्व क्या हमारे पास, ये है डी डी, ठीक है। अब मान लो कि प्राइस हमारी जो है किसी वस्तु की, कमोडिटी की, कॉन्स्टेंट है, प्राइस में कोई चेंज नहीं हो रहा। मान लो इनकम में, कि इनकम में अदर थिंग्स में चेंज हो जाए, या इनकम में चेंज हो जाए, या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस में चेंज हो जाए, तो हमारी डिमांड क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, और डिमांड इंक्रीज होकर हो जाएगी ओ क्यू वन। जब डिमांड इंक्रीज होगी तो हम सेम डिमांड कर्व पे इस पॉइंट को नहीं ला सकते, क्योंकि इस डिमांड कर्व पे ही आएगा ही नहीं पॉइंट। तो इसके लिए हमें नया डिमांड कर्व खींचना पड़ेगा, जो होगा हमारा डी वन। तो अब हमारा डिमांड कर्व में चेंज किधर की तरफ हुआ, आगे की तरफ, राइटवर्ड या फॉरवर्ड चेंज हुआ हमारे डिमांड कर्व में, क्योंकि हमारी डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। प्राइस तो कांस्टेंट थी, लेकिन डिमांड इंक्रीज हो गई, तो डिमांड कर्व आगे की तरफ, राइटवर्ड और फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। इसी तरह से अगर हम बाएं और पीछे की ओर की बात करते हैं, तो किसी वस्तु की, कमोडिटी की प्राइस ओपी है और क्वांटिटी ओक्यू है, ये प्राइस ओपी पे, क्वांटिटी कितनी, ओक्यू है, तो हमारा डिमांड कर्व क्या है, डीडी। अब मान लो कि कंज्यूमर की इनकम कम हो जाए, इसका टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस कम हो जाए, तो उसकी डिमांड भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो सेम प्राइस पे उसकी डिमांड क्या हो जाएगी, ओक्यू वन हो जाएगी। तो जो हमारा डिमांड कर्व है वो कहाँ जाएगा, इस डिमांड कर्व पे तो हम शो नहीं कर सकते इस पॉइंट को, तो हमें नया डिमांड कर्व बनाना पड़ेगा, जो होगा हमारा डी वन। अब हम किधर की तरफ आए, पहले हम यहाँ पे थे, अब हम यहाँ आए,
तो हमारा डिमांड कर किधर शिफ्ट हुआ है, पीछे की ओर, बैकवर्ड शिफ्ट हुआ है, लेफ्टवर्ड शिफ्ट हुआ है। तो ये दो सिचुएशन आती है जब प्राइस तो किसी वस्तु की, कमोडिटी की प्राइस तो कांस्टेंट रहे और केवल उसके अदर थिंग्स जो है, जैसे कंज्यूमर की इनकम या टेस्ट ऑफ प्रेफरेंस या रिलेटेड गुड्स की प्राइस, तो उनमें जब चेंज होता है तो दो तरह से चेंज होता है। तो इनमें जब चेंज होता है तो हमारा पूरा डिमांड कर्व शिफ्ट हो जाता है। अगर हम मांग क्वांटिटी डिमांड में चेंज की बात करते हैं तो हम डिमांड कर्व में ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाते हैं, डिमांड कर्व चेंज नहीं होता। लेकिन जब चेंज इन डिमांड की बात करते हैं तो हमारा डिमांड कर्व चेंज होके पहले तो एक साइड तो राइटवर्ड जाता है, जब हमारी डिमांड इंक्रीज होती तो राइटवर्ड जाता है, और जब डिमांड डिक्रीज होती तो लेफ्टवर्ड आता है। मतलब जब डिमांड बढ़ती है तो आगे की तरफ जाता है और जब डिमांड कम होती है तो पीछे की तरफ आता है। तो इसमें क्या होता है, डिमांड कर्व ही शिफ्ट हो जाता है। तो ये थी हमारी चेंजेस इन क्वांटिटी डिमांड या चेंजेस इन डिमांड। इसके आगे का जो पार्ट है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। थैंक यू।